हे एवरीवन, अब तक हमने साउंड के बारे में जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हमने पढ़ ली है, तो उससे रिलेटेड अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो डिफरेंट कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है साउंड वेव ट्रांसफ़र। साउंड वेव क्या ट्रांसफ़र करती है? फर्स्ट ऑप्शन है ओनली एनर्जी, नॉट मोमेंटम। एनर्जी मोमेंटम, बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो किस चीज़ को ट्रांसफ़र करती है साउंड वेव? साउंड वेव एनर्जी को भी लेके चलती है और मोमेंटम को भी लेके चलती है। ये जो न्यूमेरिकल मैं आपको करा रही हूँ ये वो हैं जो कहीं ना कहीं थ्योरी में थोड़ा बहुत अगर कुछ रह गया है तो न्यूमेरिकल के थ्रू कवर हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि किस तरह से न्यूमेरिकल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट। किस में आपकी साउंड वेव फास्ट ट्रेवल करती है? इन सॉलिड, इन लिक्विड, इन गैस और इन वैक्यूम। ये बात सभी को पता है कि जो साउंड वेव है सबसे ज़्यादा किस में ट्रेवल करती है? सॉलिड के अंदर करती है। सेकंड है डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ। मैंने आपको बताया था कि जो साउंड की लाउडनेस है उसको हम डेसिबल में मेज़र करते हैं, तो डेसिबल किसकी यूनिट है? साउंड की लाउडनेस की। डीबी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डेसिबल जो हमारी यूनिट है ये अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग जो है ना निर्धारित कर दी गई है कि अगर आप स्कूल के सामने हैं तो अराउंड इतना डेसिबल साउंड होना चाहिए, या फिर नाइट टाइम पे अराउंड इतना डेसिबल साउंड होना चाहिए, जो साउंड पोल्यूशन है उसी को देखते हुए। ठीक है, तो ये डेसिबल जो है यूनिट ऑफ साउंड है। ये हमारा जो डेसिबल यूनिट है, अगर किसी को हार्ट वगैरह की दिक्कत है और ज़्यादा लाउड म्यूज़िक वगैरह बजा दिया जाए, तो जैसे आपको पता है ज़्यादा लाउड हो गया मींस मोर फ्रीक्वेंसी, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या प्रोड्यूस करती है? ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर सकती है, तो उनको क्या हो सकती है? दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो है ना ये बता दिया गया है कि इतने अराउंड हमारी जो है ना डेसिबल इतना होना चाहिए। ठीक है, जो साउंड का जो लाउडनेस है वो इतनी होनी चाहिए एरिया के अकॉर्डिंग। जैसे हॉस्पिटल के अंदर इतना साउंड नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हार्ट के पेशेंट होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, उस हिसाब से। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द फेज़ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड द वेव। क्या है कि फेज़ डिफरेंस कितना होता है दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में? मैंने आपको वेव बना के बताई थी, ऊपर वाला पार्ट बताया था क्रस्ट, नीचे वाला बताया था टफ। ठीक है, तो ये एक क्रस्ट हो गया, ये एक टफ हो गया, ये एक क्रस्ट अगेन हो गया। तो कह रहा है इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा। देखो ये पॉजिटिव से चेंज होके वापस पॉजिटिव आ गया, तो कितना कितना चेंज हुआ है? पाई बाई टू, 90 डिग्री का जो है ना इनमें फेज़ होगा। ठीक है, फेज़ डिफरेंस इनमें दो सक्सेसिव के बीच में फेज़ डिफरेंस कितना होगा? पाई बाई टू के अराउंड होगा। नेक्स्ट टर्म जो मैंने आपको बताई थी कि कौन सी डिवाइस वर्क नहीं करती मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया था ईको था आपका और रीवाइब्रेशन थी। रीवाइब्रेशंस की एप्लीकेशन भी आपको बताई थी। स्टेथोस्कोप मैंने बताया था कि रीवाइब्रेशंस पे बेस्ड है आपका, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। साउंड बोर्ड ये मैंने बताया था कि जब ज़्यादा क्राउड वाली ऑडियंस हो तो साउंड बोर्ड लगाया जाता है ताकि हर एक इंसान के पास जो साउंड है आपका वो क्लियरली और इक्वल फ्रीक्वेंसी में पहुँच जाए। मेगाफोन भी मैंने आपको बताया था। हाइड्रोफोन नाम की कोई ऐसी टर्म नहीं है जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पे काम करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाउडनेस एंड पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन। आप सभी को पता है, पहले ही बता दिया था कि लाउडनेस, पिछली थ्योरी वाली क्लास फिर से देखनी है अगर नहीं याद आ रहा है, कि लाउडनेस और पिच ऑफ ए साउंड किस पे डिपेंड करेगी? उसकी डेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, उसकी डेंसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी जो उसकी लाउडनेस है, या फिर पिच किसी साउंड की, कि कोई कितनी डेंस आ रही है। ये मैंने पहले ही बताया था कि कोई कितनी डेंस आ रही है। आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बताया था, आपको कमेंट सेक्शन में वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो वापस से बताना है कि वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बताया था। ठीक है, और कैसे चीज़ें डिपेंड करेगी टेम्परेचर, और उसका भी फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। गामा
रो गामा पी एंड रो, ठीक है। पी प्रेशर था, गामा क्या था स्पेसिफिक हीट वाला था, और पी क्या था हमारा प्रेशर था, और गामा स्पेसिफिक हीट का क्या था टेम्परेचर का था, पी प्रेशर एंड रो डेंसिटी। तो डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन लाउडनेस और पिच ऑफ द साउंड क्या करेगी इसके ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वी चेंज अ फीबल साउंड टू अ लार्ज साउंड वी इंक्रीज इट्स। अगर हम कोई कमज़ोर साउंड है, ठीक है, कोई बिल्कुल कमज़ोर साउंड है जो बिल्कुल धीमा सुनाई दे रहा है और हमें उसका लाउड करना है, जैसे आप म्यूज़िक सिस्टम में करते हो, बिल्कुल धीरे धीरे गाना बज रहा है और आपको डांस करना है तो आपने म्यूज़िक को करना है लाउड, ठीक है। तो हम उसका क्या इंक्रीज़ करते हैं? आप नॉर्मल तो वैसे ही कहोगे कि हम उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देंगे, है ना, कि उसकी वॉल्यूम का बटन हम प्रेस करेंगे और जितनी हमें चाहिए होगी हम उतनी वॉल्यूम करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ साउंड के टर्म्स में जो हम पढ़ते हैं फिज़िक्स के टर्म में, हम क्या इंक्रीज़ करेंगे? देखो, मैंने आपको बताया था कि वेव क्या है, कम एम्पलीट्यूड की है तो कम लाउड है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड की है तो ज़्यादा लाउड है। सभी ने एक गाना सुना होगा एम्पलीफायर, है ना, बहुत फेमस हुआ था, मैं तेरा एम्पलीफायर करके। तो उस वो एम्पलीफायर क्या है, मीन्स मैं तुम्हारे जो तुम्हारी गुड वाइब्स है, तुम्हारी जो साउंड है उसको इंक्रीज़ करने वाला हूँ, एनहेंस करने वाला हूँ। तो एम्पलीफायर मीन्स जो एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे, तो एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा इट मीन्स उसके लाउड को, उसकी जो म्यूज़िक है उसको, जो साउंड है उसको इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। तो एम्पलीफायर का मतलब यही होता है, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना, ठीक है। स्टैंड उसका मतलब दूसरा था कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को बढ़ा दूंगा। नेक्स्ट देखिए, अ ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूस वेव इन अ मीडियम, इफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम चेंजेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज। एक जो ट्यूनिंग फोक है, मैंने आपको क्लास 11th का एग्जांपल बताया था कि ट्यूनिंग फोक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम देखते हैं कि साउंड के अंदर वाइब्रेशन होती है ना। ये एक्सपेरिमेंटल डेमोस्ट्रेशन है कि साउंड के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, वो क्लास 11th का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। तो कह रहा है कि वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, किसी मीडियम के अंदर है, किसी मीडियम के अंदर, मान लो हमने किसी लिक्विड के अंदर रख दिया इसको, अगर मैं इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो इस ट्यूनिंग फोक से जो निकलने वाली जो वेव है जो निकलेगी उसका क्या बढ़ेगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, उसकी वेवलेंथ बढ़ेगी या फिर उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा उसका, तो उसकी वेवलेंथ जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मींस जैसे मान लीजिए वो यहाँ से इतनी देर में ट्रैवल कर रहा था, अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो वो इतनी देर में ट्रैवल करेगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ 5-7 न्यूमेरिकल हमने करे हैं जो कि थ्योरी बेसिस थे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अपना न्यूमेरिकल जो कि आपके फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ठीक है। कुछ और 10 न्यूमेरिकल के आसपास हम करेंगे तो आपका साउंड जो है ना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद प्रैक्टिस।